नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता शैल चतुर्वेदी, जो कवि, व्यंगकार, हास्यकार, गीतकार और अभिनेता। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, नाजुम इकबाल है उसे भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शैल चतुर्वेदी को हम सभी जानते हैं। शैल चतुर्वेदी एक महान कवि, व्यंगकार, हास्यकार, गीतकार और प्रसिद्ध अभिनेता थे, जो 1970 और 1980 के दशक में अपने राजनीतिक व्यंग के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। शैल चतुर्वेदी का जन्म 29 जून 1936 को अमरावती, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम दया चतुर्वेदी, शैल चतुर्वेदी के बच्चों का नाम विशाल, विहान, विवेक। शैल चतुर्वेदी ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं में चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। शैल चतुर्वेदी ने अपना करियर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के रूप में शुरुआत की। जल्द ही विभिन्न कवि सम्मेलनों, कविता सभाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। अपनी तीखी राजनीतिक टिप्पणियों के साथ 1970 के दशक में प्रमुख हास्य कवियों के बीच अपनी जगह बनाई। 1980 के दशक में प्रमुख हास्य कवि जैसे कि काका हाथरसी, प्रदीप चौबे, अशोक चक्रधर के बीच में इन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। शैल चतुर्वेदी अपने होली त्योहार के आसपास सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन के वार्षिक कवि सम्मेलन का नियमित हिस्सा बन गए। हर होली में वो दूरदर्शन में नजर आते थे। शैल चतुर्वेदी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि उपहार 1971, चिच्चो जो कि 1976 में आई, चमेली की शादी जो कि 1986 में आई, करीब जो कि 1998 में आई। इन फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध टीवी सीरियल श्रीमान श्रीमती में केशव और गोखले के बॉस की भूमिका निभाई, जिसमें उनका नाम शर्मा जी था। इन्होंने बहुत सारे टीवी शो और बहुत सारे कवि सम्मेलनों में भाग लिया। कुछ समय तक क्रोनिक किडनी फेलियर से पीड़ित रहने के बाद 29 अक्टूबर 2007 को मलाड, मुंबई, भारत में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक बार फिर से मैं शैल चतुर्वेदी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। शैल चतुर्वेदी प्रसिद्ध कवि, व्यंगकार, हास्यकार, गीतकार और अभिनेता थे। 70 और 80 के दशक में अपने राजनीतिक व्यंग के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। 29 जून 1936 को अमरावती, महाराष्ट्र, भारत में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई 29 अक्टूबर 2007 को मलाड, मुंबई, भारत में हुई। ये कवि थे, प्रसिद्ध हास्यकार थे, गीतकार थे, अभिनेता थे। इनके बच्चों का नाम विशाल, विहान, विवेक। इनकी पत्नी का नाम दया चतुर्वेदी। इनके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम बता देता हूं। आकाश चतुर्वेदी शैल के भाई के बेटे, जन्माशी चतुर्वेदी पोती, अमला चतुर्वेदी पोती, कृष्णा चतुर्वेदी पोता, शैनल चतुर्वेदी पोता, स्वयं चतुर्वेदी पौत्र। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों और कई टीवी श्रृंखलाओं में चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। इलाहाबाद से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और बड़े बड़े कवियों के बीच जैसे कि काका हाथरसी, प्रदीप चौबे और अशोक चक्रधर के बीच में अपनी एक खास जगह बनाई। दूरदर्शन पर अक्सर नजर आते थे होली या अन्य त्योहारों के आसपास और लोगों का बेहद मनोरंजन करते थे। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम बता देता हूं। 1971 में आई उपहार, इसमें उन्होंने शंकर लाल की भूमिका निभाई। 1972 में आई मेरे भैया, इसे प्रकाश की भूमिका निभाई। 1976 में आई चिच्चोर, इसमें चौबे जी की भूमिका निभाई।
1980 में आई पायल की झनकार, इसमें दीनानाथ के चरित्र को उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद 1980 में आई जज्बात, इसमें हवलदार पांडे के रूप में थे। 1985 में आई हम दो हमारे दो। 1986 में आई चमेली की शादी, जहां दोस्तों अनिल कपूर की मशहूर फिल्म, इसमें उन्होंने लच्छूराम कपांची मक्खन के पिता की भूमिका निभाई थी। 1988 में मारधाड़, इसमें वकील की भूमिका निभाई। 1990 में जवानी जिंदाबाद, इसमें मंत्री बने हुए थे। 1991 में आई नरसिम्हा सनी देओल की फिल्म, इसमें सीमा के पिता के रूप में थे। 1992 में आई घर जमाई, जो कि अनिल कपूर की पिक्चर थी। 1993 में आई धनवान, इसमें हामिद भाई के रूप में थे। 1994 में आई जिद, जो कि सनी देओल की फिल्म थी, इसमें शिक्षा मंत्री बने हुए थे। 1995 में आई अब इंसाफ होगा, इसमें बिल्डर सक्सेना के रूप में थे। 1998 में आई गरीब, 1998 में आई तिरछी टोपी वाले। इनके प्रमुख टेलीविजन शो दोस्तों, 1988 में आई काकाजी कहीं, इसमें नेताजी गजानन बाबू के रूप में थे और ये डीडी नेशनल पर प्रसारित होता था। 1993 में आया जवान सरवाल के, इसमें विद्यालय निरीक्षक बने हुए थे, ये डीडी मेट्रो पर आता था। 1994 और 1999 में श्रीमान श्रीमती, इसमें बब्बू प्रसाद शर्मा जी जो केशव के बॉस थे, ये डीडी मेट्रो पर सीरियल आता था। 1996 में आई कुछ भी हो सकता है, डीडी मेट्रो पर आता था ये सीरियल। 1997 में आई ब्रह्मकेश बख्शी, इसमें जो है वो रामेश्वरी और एपिसोडिक भूमिका निभाई, जो कि डीडी नेशनल पर आता था। दोस्तों शैल चतुर्वेदी के बारे में कुछ खास जानकारी। शैल चतुर्वेदी एक व्यावहारिक और क्षमतावान व्यक्ति थे। शैल चतुर्वेदी की योग्यता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता था। शैल चतुर्वेदी अनुशासित थे और व्यवस्था को बेहद पसंद करते थे। ये गुण शैल चतुर्वेदी में पर्याप्त रूप से विकसित था। छोटी छोटी बातों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने के कारण शैल चतुर्वेदी जीवन की उन उपलब्धियों को नहीं पा सके जिसके वो काबिल थे। शैल चतुर्वेदी संवेदनशील और सहृदय थे। अगर शैल चतुर्वेदी को यह पता चलता कि शैल चतुर्वेदी के नजदीक का कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, तो शैल चतुर्वेदी तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। शैल चतुर्वेदी के अंदर हिचकिचाहट थी। यद्यपि शैल चतुर्वेदी के भीतर संसार में अपना मार्ग बनाने की क्षमता थी, शैल चतुर्वेदी के अंदर इतनी ऊर्जा थी कि शैल चतुर्वेदी सफलता की किसी भी सीढ़ी को आसानी से चढ़ सकते थे। शैल चतुर्वेदी अपनी हिचकिचाहट के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए, जबकि अन्य कम क्षमतावान लोग वहां तक पहुंच गए। शैल चतुर्वेदी वस्तु और व्यक्ति के आर पार देखने की क्षमता रखते थे। कहने का मतलब यह है कि शैल चतुर्वेदी से कुछ भी छुपाना संभव नहीं था। शैल चतुर्वेदी के अंदर परिस्थितियों को तुरंत समझने की एवं समस्याओं को त्वरित निराकरण करने की क्षमता थी। शैल चतुर्वेदी लक्ष्य पर नियंत्रित रहते थे और किसी के दबाव को महसूस नहीं करते थे। वो शैल चतुर्वेदी स्वाभाविक तौर पर एक विद्वान व्यक्ति थे। समाज में शैल चतुर्वेदी की छवि एक प्रतिष्ठित और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।